वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे तोरई की सब्जी। इसे हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ और झटपट से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना इस टेस्टी सी सब्जी को। इसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। इसको मैं भून लूँगी। फिर मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, इसे मिक्स कर लूँगी मैं तेल के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब प्याज को मैं अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया है, भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। हल्दी को भी मैं भून लूंगी। हल्दी भून जाने पर इसमें मैं डाल दूंगी तोरई। देखिए तोरई को मैंने अच्छी तरह पील कर धोकर इस तरह से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको मैं डाल दूंगी तड़के में और इसे तड़के के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है तड़के के साथ। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर इसी तरह 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर पकाऊंगी। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि तोरई में अपना पानी होता है और ये पानी छोड़ देती हैं। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको उलट पलट दूंगी। देखिए तोरई ने अपना पानी जो है देखिए छोड़ दिया है, इसीलिए हम इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं डालते। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह उलट पलट दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। रेगुलर मिर्च डालूंगी इसमें मैं स्वाद अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी का जो कलर है अच्छा आएगा। अब मिर्च डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और फिर से इसे ढक्कन लगाकर इसी तरह हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। तीन से चार मिनट के बाद ढक्कन उठाऊंगी और इसको एक बार मैं उलट पलट दूंगी। और फिर से इसे ढक्कन लगाकर इसी तरह पकाऊंगी हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाऊंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को डालने के बाद इसे मैं सब्जी के साथ मिक्स कर दूंगी और इसे ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए टमाटर जो है नरम हो गए हैं। अब मैं इसे हल्की आंच पर इसी तरह बिना ढक्कन लगाए 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए। अगर आप ग्रेवी वाली तोरई की सब्जी पसंद करते हो तो स्टेज पे आकर आप इसमें धनिया डालकर इसको सर्व कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ी थिक सब्जी पसंद है, इसीलिए मैं इसे थोड़ी थिक करूँगी। देखिए मुझे इसे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया डालकर इसको मैं कर दूंगी मिक्स, सर्व करूंगी इसको मैं। देखिए ये हमारी तोरई की सब्जी बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।